वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डिवाइन ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी मेरे टेरेस गार्डन में आए हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितनी फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं ये कौन सी फ्लावर है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये कौन सी फ्लावर है। तब तक मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी फ्लावर है। ये है मैरीगोल्ड की फ्लावर, जो कि गेंदा भी कहा जाता है इसको हिंदी में। ये आप देख रहे हैं, उस पर कुछ हनी बीज़ हैं, वो अपने काम कर रही हैं। ये हनी बीज़ मधुमक्खियाँ फूलों के रस को चूस रही हैं। ये चूसती हैं फूलों के रस को और अपने खोते में जाके उससे शहद बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी फूले हैं और कितनी सारी हनी बीज़ हैं। ये मेरा छोटा सा, एकदम छोटा सा टेरेस गार्डन है। और यहाँ पे देखिए, ठंडी की मंथ है और सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ अमरूद भी है, तेजपत्ता है और सारे प्लांट्स भी हैं। तो यहाँ सबसे पहले इस ठंड के मौसम में हमने गेंदे के प्लांट्स लगाए थे, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने गेंदे के प्लांट्स कैसे लगाए थे। और ये 3 मंथ के बाद गेंदे के प्लांट्स प्रॉपर तरीके से फ्लावरिंग करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ्लावर्स पूरी तरीके से बड़े हो रहे हैं। मेरी टेरेस गार्डन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इन खुशबुओं का राज है ये फ्लावर्स, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये सारे फ्लावर्स इन ठंडियों की मंथ में लगाए जाते हैं और यही फ्लावर्स हमारे घरों की, हमारे बालकनी, हमारे टेरेस, हमारे गार्डन सब जगह की शोभा बढ़ाती है। तो देखिए हमारे कितनी खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं और उन फ्लावर्स में कितनी खूबसूरत खूबसूरत मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। ये खूबसूरत तो नहीं है, बट ये अपना काम कर रही हैं। एनीवेज इन्हें अपना काम करने देते हैं और हम अभी अपने टेरेस गार्डन का लुक दिखाते हैं। तो देखिए ये मेरे टेरेस गार्डन का लुक है। ये एक साइड का लुक है और ये मेरे दूसरे साइड का लुक है। इसमें सारी गुलदावरियाँ जो हैं, इनका सीज़न अब ऑफ हो गया है, तो अब ये अब मुरझा जाएंगी। और मुझे आज बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साइड दिखाई दी हैं, तो मैं जाके उधर देखती हूँ कि उधर क्यों इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। मैंने जब जाके देखा तो देखिए मैंने क्या देखा, मैं तो देख के डर गई और देख के बहुत ही अजीब सा मन हो गया, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा होता और कलर ऐसा होता है कि बहुत अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तो देखिए कितना सारी मधुमक्खियाँ हैं। यही सारी मधुमक्खियाँ हमारे गार्डन से सारे रस फ्लावर्स में चूस के ले जाती थी और अपने छत्ते में हनी बनाती थी, और इसमें हनी थी भी। तो देखिए नेक्स्ट डे थोड़ी सी मधुमक्खियाँ को हमने हटाने की कोशिश की, तो ये टूट गई। मधुमक्खियाँ के जो छत्ते थे वो टूट गए और हाफ़ मधुमक्खियाँ नीचे गिर पड़ी हुई थी। तो ये मरी तो नहीं है, बट लग रहा है कि ये मर गई। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए इसमें छोटा सा हनीबी का जो छत्ता होता है जिसमें मध रहते हैं, वही यहाँ पे टूट के गिर चुकी है और उसमें से सारे मध ये मधुमक्खियाँ पी के और उड़ जाएंगे। सारे मधुमक्खियाँ वो अपने अपना काम कर रही हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि और मेरे गार्डन का क्या हाल है और मधुमक्खियाँ हैं भी कि नहीं।